नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग में और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। दोस्तों, हर साल अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों में ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना। हम जीवन शैली को बेहतर और अपनी सतर्कता बढ़ाकर रखें तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों के जोखिम को न केवल कम कर सकते हैं बल्कि शुरुआती चरण में इसे खत्म भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह बीमारी आखिर होती क्यों है। बढ़ते शहरीकरण से दिनचर्या बदल रही है। अधिक उम्र में शादी और पहला बच्चा 30 वर्ष की आयु के बाद करने और स्तनपान नहीं कराने का चलन इस तरह की बीमारियों को न्योता दे रहा है। अगर किशोर उम्र या कम उम्र में त्वचा रोग के इलाज के दौरान रेडिएशन दी जाती है तो उससे भी आगे कैंसर हो सकता है। आजकल मासिक धर्म की शुरुआत 10 से 12 वर्ष की उम्र में हो जाती है, जबकि पहले यह 14 से 15 वर्ष की उम्र में होती थी। जल्दी शुरू होने से साइकिल बढ़ते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन असंतुलित होते हैं। वहीं मेनोपॉज 55 वर्ष की आयु के बाद होने पर एस्ट्रोजन बढ़ने की आशंका रहती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी में स्तन से जुड़ी बीमारियों का इतिहास है तो उसे बाहर से ओरल गर्भ निरोधक गोलियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। वहीं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, सुरक्षा के लिए लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना जरूरी है। मोटापे से कई सारे कैंसर के जोखिम जुड़े हैं। फैट कोशिकाएं शरीर में एस्ट्रोजन बनाती हैं। कम मात्रा में भी अल्कोहल महिलाओं के लिए खतरनाक है। अगर 30 मिनट ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो प्रयास करें हार्ट रेट बढ़े, इससे एस्ट्रोजन का स्तर नियंत्रित होता है। कपाल भाती करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि कैंसर की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, केमिकल और पेस्टिसाइड युक्त फलों और सब्जियों के सेवन से बचें। ऑर्गेनिक फलों सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बीमारियों से बचाव करता है। भोजन में वनस्पति तेलों का ही प्रयोग करना चाहिए। रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के रूप में जो ट्रांस फैटी एसिड खाते हैं उन्हें स्तन कैंसर का खतरा जो है वो अधिक होता है। रेड मीट से भी मोटापा और कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। अगर बच्चों में शुरू से ही मोटापा नियंत्रित कर लें, वे खेल कूद करें, संतुलित भोजन की आदत डालें तो आगे चलकर समस्या नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, खुद ही जांच करें और सतर्कता बढ़ाएं। आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये सामान्य सी तकनीक है जिससे महिला खुद जांच करके डॉक्टर के पास जाती हैं। शरीर में कोई बदलाव होता है, जैसे कि गांठ, सूजन या त्वचा अंदर की तरफ चली गई है या सिकुड़न आ रही है या आकार बदल रहा है, तो बीमारी का जल्दी पता चल जाएगा। दूसरा, 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद से एक बेसलाइन मेमोग्राम जरूर कराना चाहिए। यह स्क्रीनिंग हर 2 साल में जरूर करा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है या ब्रेस्ट कैंसर आगे हो तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इस बीमारी को आप कैसे पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और हेल्थी टिप्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।